दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित एक्सलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर जहां सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहीं एक शिविर का आयोजन भी विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया गया। यहां पर माननीय न्यायाधीश सहित अन्य जनप्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बच्चों के कैरियर काउंसलिंग को लेकर के शिविर भी आयोजित किया गया और बच्चों को उनका कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट किया गया। यहां पर मौजूद माननीय न्यायाधीश महोदय ने सभी क्लासों का निरीक्षण किया, साथ ही युवाओं से, यहाँ के छात्र छात्राओं से उनके भविष्य के विषय में जानकारी ली, साथ ही शिविर के माध्यम से उन्हें जागरूक किया। वहीं सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। जिन्होंने एक एक उपदेश दिया है कि वेदों की ओर लौटो, ये किसने दिया है? एक और इसके साथ में क्वेश्चन पूछना, अगर दोनों को आंसर मालूम हो तो निश्चित रूप से बड़ा आएगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे शिक्षक साथियों से गेट पर स्वल्पाहार वितरण की व्यवस्था करें। एक ऐसी पुस्तक जो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है, और वो पुस्तक किसी टेबल पर बैठ के नहीं लिखी गई, वो पुस्तक लिखी गई रथ में बैठकर युद्ध के मैदान में। अरे वाह, सबने आंसर दे दिया। उसको रोकने के लिए सरकार के एडीएम को बोलती है, एसडीएम को बोलती है, आओ बच्चों के बीच बात करो, 15-20 मिनट बैठो, इसको कैसे तैयारी करना है, कैसे अपना भविष्य बनाना है, क्या अभी से अपन में वो डालेंगे ना खाद भी अच्छा बनते हैं। बताइए, कुछ बच्चे निकल रहे हैं भविष्य के लिए? कुछ निकल रहे हैं बच्चे? नहीं, कैसे सोचा, चिंतित करिए, उनको एक सही सही साचे में ढाले, जिससे वो अपने कैरियर में हो जाए और अपने इस स्कूल का नाम करें। हमारा उद्देश्य एक्सीडेंट्स में तैयारी अच्छी करो, प्राइवेट में आते हैं ये एक्सीडेंट मॉडल में हमारे बच्चे शासकीय साधा है, हमारे आधे बच्चे जिले आधे बच्चे जिले काम करिए। जो 9th से 12th तक है, खासकर 11th है, इसमें हर क्लास में ये बच्चा क्या बनना चाहता है, क्या नहीं बनना चाहता, उनका इंटरेस्ट देखिए, डेवलप करिए और मुझे ऐसे विधा बताइए। जैसे कोई प्रशासनिक सेवा जाना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई जज, तो आप ऐसे उसको करिए, एक नया एक्सपेरिमेंट करिए विधिक कार्यक्रम की ओर से। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से पुनः आग्रह करता हूं कि केवल 10-15 मिनट की बात है, आप लोग को विधिक जानकारी देती हूं ताकि आपका जो जीवन स्तर है वो सुधरे और बेस्ट बने। किस प्रकार से मनाया जा रहा है आज हमने देखा है, आपके साथ हमने भी योगा किया है, युवा किस तरह रहा जाता है
और रहा जाएगा, ये सारी चीजें हमें पता दिया होगा अपने जो योगा टीचर्स आए थे। आप जितना योगा करेंगे उतना ही आपकी बॉडी फिट रहेगी और चुस्त और तंदुरुस्त रहेगी। तो योगा करना बहुत आवश्यक है, आप नियमित ही योगा करने का अपना नियम बना लें, जिससे कि आप स्वस्थ लाभ प्राप्त नियमित रूप से प्राप्त कर सके। एसपी बनना चाहते आप बताएं हमें, जज बनना चाहे तो आप हमारे पास आ जाएं। आज से हमें कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है और जीवन में क्या करना है, ये आज आप निर्धारित कर लें, ठीक है। और जो योग है, योग आपको सिर्फ स्वस्थ रखता है मन से तन से, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा, ठीक है बच्चों। और कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, खासकर जो लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या आपके टीचर से, किसी से और अन्य बच्चों से, तो आप यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आके अपने सभी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और हमसे शेयर कर सकते हैं। युवा दिवस है, हम इसलिए यहाँ पे एक शिविर आयोजित किया है और इसके तहत हमने यही कोशिश की है कि जो हमारे बच्चे हैं, कल का भविष्य हैं, उनके क्या कैरियर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ के इस मैंने क्लासों का निरीक्षण किया, जिसमें यहाँ हमने देखा है एक शासकीय स्कूल होते हुए यहाँ पे अच्छी स्मार्ट क्लास है जिसका उपयोग किया जाए। यहाँ जो काउंसलर हैं उनसे मेरी बात हुई, जिसमें ये निकल के तथ्य आया कि क्या सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है ये तो हमें समझ में आ गया, पर वो भविष्य में बनना क्या चाहते हैं ये अभी तक निकल के नहीं आया है। तो इनको एक तरीके से मैंने ये होमवर्क भी दिया है कि 15 दिन बाद आप 9, 10, 11, 12 के बच्चों से पूछिए वो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, अपने को किस रूप में देखना चाहते हैं इस समाज में, अभी से चिन्हित कर लीजिए। और हमारे दमोह जिले में ये कोशिश रहेगी कि जैसे कोई मान लीजिए जज बनना चाहता है, तो हम ऐसे अपने जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको बोलेंगे कि आप बच्चों के बीच जाएं, उनके लिए प्रेरणा दें और उनको कैसे तैयारी करनी है आज से ये बताएं। इसी तरीके से कोई यदि आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है या किसी अन्य डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो मेरी ये कोशिश रहेगी जैसे डॉक्टर बनना चाहता तो यहाँ के जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, CMHO हैं, वो आएँ, वो प्रेरणा दें। इंजीनियर हैं तो इंजीनियर आए, या कोई कलेक्टर बनना चाहता तो यहाँ प्रशासनिक सेवाओं के जो अधिकारी हैं वो बच्चों के बीच में आए और उनको बताएं कि कैसे बनना है, क्या करना है और बनने के बाद कैसा लगता है। ये जब शेयर करेंगे तो उससे बच्चे बहुत मोटिवेट होंगे और यकीन करिए वो हमारे अच्छे भविष्य होंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो ये दौर चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, ये जो बनी हुई है थीम कि नहीं हमारा बच्चा यदि उसमें पढ़ेगा तो ही सक्सेस होगा, तो इस मिथ को तोड़ा जाए। आज शासन इतना इस पर ध्यान दे रही है तो उस मिथ को तोड़ने के लिए मैं यहाँ के जो प्रिंसिपल महोदय अहिरवार जी उनको भी यही बोला है, इस मिथ को तोड़ना है और अपने बीच आज से कैरियर ओरिएंटेड बच्चों को लाना है, जिससे हमारे देश का भविष्य हो सके और ये दमोह जिले का नाम हो, हमारी यही कोशिश रही है। और बच्चों का आज उत्साह बहुत ही अच्छा रहा है, बच्चों ने आज योग सीखा ये भी बहुत अच्छा रहा है, जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से वो बहुत ही अच्छे हो पाएंगे। और मेरी ये कोशिश है यहाँ के प्रिंसिपल से या शिक्षा अधिकारी से, हमने यही बोला है कि आप हमें कैरियर वाइज बच्चों के नाम दें और उसके बीच हम आएंगे, और ऐसा हम उनसे भी अनुरोध करेंगे जो अन्य फैकल्टी हैं वो बच्चों के बीच आए, यही आज का उद्देश्य था। थैंक यू। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिवस के रूप में हम योगा दिवस भी मनाते हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ स्थानीय शासकीय उच्चतर स्कूल में एक योग का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार का प्रसारण भोपाल से किया गया और हम सब प्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने, बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर मैं आप सभी को और बच्चों को भी ढेर सारी बधाइयों और शुभकामनाएं देता हूँ, साथ ही अपने स्वास्थ्य और जीवन शैली को बदलने के लिए योगा अपनाएं, यही मेरी उद्देश्य और आकांक्षा। आज सारे देश में 12 जनवरी को सूर्य नमस्कार युवा दिवस के रूप में मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के अवसर पर मनाया गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जज साहब आए और जज साहब ने भी हमारे बच्चों को मोटिवेट किया कि वो किस थीम में जाना चाहते हैं और अपने विकास के लिए या अपने उत्थान के लिए उनको क्या करना है, तो ऐसी जो जानकारी सर ने दी है तो उसके लिए हम लोग सूचीबद्ध तैयार करेंगे और बीच बीच में काउंसलिंग के माध्यम से सर के माध्यम से उन लोगों को बुलाया जाएगा अधिकारियों को, और फिर जाके बच्चों को मोटिवेट करेंगे
और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए वो सक्षम हो सकेंगे।